नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक और खास रणनीति पर बात करने वाला हूं और ये राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मंच पर बोलने की कला। और बोलना नहीं, सॉरी, मंच पर दहाड़ने की कला। जी हाँ, मंच पर दहाड़ना सीखना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा पार्टी में, संगठन में लोग कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं। अच्छा, बड़े से बड़ा नेता कहता है मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन आपको पता है कार्यकर्ता और नेता में क्या अंतर है? कार्यकर्ता और नेता में, और बड़े से बड़ा नेता भी अपने आप को कार्यकर्ता ही बोलता है, लेकिन केवल एक चीज जो कार्यकर्ता और नेता में अंतर पैदा करती है वो है मंच पर बोलने की कला। यदि आप मंच पर दहाड़ना जानते हैं, यदि आप अपनी बात बेबाकी से रखना जानते हैं, यदि आप सामने वाले को धूल चटा सकते हैं अपनी बातों से, यकीन मानिए आप एक राजनेता हैं, भले आप अपने आप को कार्यकर्ता कहिए। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये कला जन्मजात नहीं है। जी हाँ, ये कला को जन्मजात लेकर पैदा नहीं होता, ये कला सीखी जा सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगा ये कला कैसे सीखी जा सकती है, तो मैं बताना चाहूंगा मंच पर बोलने के लिए आपको पांच चीजों को ध्यान में रखना होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हम तैयार करेंगे आने वाली ट्रेनिंग्स में, आपको सिखाऊंगा भी, बट आज मैं उन पांच खास चीजों पर बात करने वाला हूं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को मंच पर असाधारण बना सकती है, मंच पर दहाड़ने वाला बना सकती है। सबसे पहली चीज, अगर आपको मंच पर अच्छा वक्ता बनना है तो आपको शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कह रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, आप किस तरह से कह रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि साधारण बात भी असाधारण तरीके से कही जाए तो इसका इंपैक्ट अलग होता है। आप बड़े नेताओं को देखिएगा, शब्द वही होते हैं जो आप और हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, परंतु उन शब्दों का उच्चारण इस तरह का किया जाता है, उस शब्दों पर इतनी तरह से, इस तरह से जोर दिया जाता है कि सामने वाले को वो एक असाधारण भाषा लगता है, एक असाधारण स्पीच लगती है। उसका तरीका क्या है, आप जब भी किसी शब्द को बोलते हैं अपनी फोन में या अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज 10-15-20 मिनट का कोई भाषण या कोई स्पीच अपनी सुने। शुरू में 5 मिनट की स्पीच रिकॉर्ड करें और फिर देखें किस शब्द पर आपने कैसे उच्चारण किया और उसका सही उच्चारण क्या है। अक्सर लोग बात को, जब सेंटेंस को क्लोज करते हैं, बात बात में बोल देते हैं जा रहा हूं। अब जा रहा हूं कुछ नहीं है, जा रहा हूं। यदि आपको मंच पर बोलना है तो मंच पर अपनी बात इस तरह से बोलनी है, मैं वहां जा रहा था, मैंने ये देखा, इस तरह के हालात हुए। यानी कि अपनी शब्दों को पूरा सही समय देना और उनका सही उच्चारण करना, इससे आपके भाषण में एक अजीब सी ताकत आती है और सामने वाले को लगता है कि आपकी शब्दों पर पकड़ है। और यदि आपकी शब्दों पर पकड़ मजबूत होगी, यदि आप सही उच्चारण कर पाएंगे शब्दों का, तो यकीनन जनता को उनको सुनने में मजा आएगा और वो शब्द लंबे समय तक असर छोड़ेंगे। और दोस्तों दूसरी चीज, एक अच्छे भाषण को दूसरी चीज क्या बनाती है, जनता से आपका संवाद बिना शब्दों के। जी हाँ, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज है आपका आई कांटेक्ट। आप जनता के साथ किस तरह से आंखों से संवाद करते हैं। जी हाँ, बड़े नेताओं को गौर से देखिएगा, बड़े नेता जब बात कर रहे होते हैं तो आसपास के लोगों को यह एहसास होता है कि वो हमें ही देखा जा रहा है या हमें ही देखकर बात की जा रही है, क्योंकि वो इस तरह का आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, वो एक एक व्यक्ति से आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे जब समूह बड़ा हो, 1,000, 2,000, 5,000 लोगों की भीड़ हो, तो मैं आई कॉन्टेक्ट कैसे बनाऊं, या पब्लिक से डिस्टेंस ज्यादा हो तो कैसे बनाऊं। शुरू के आगे के कुछ 10-20-50 लोगों से आई कांटेक्ट बनाइए, बस। बाकी पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोगों को देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सब तरफ देख रहे हैं। आपको किसी एक व्यक्ति या एक पोर्शन पर नहीं देखना है, आपको अक्रॉस दी स्टेडियम, अक्रॉस दी ऑडिटोरियम, अक्रॉस दी मंच, जहां पर भी आप बैठे हैं, आपको सभी पब्लिक से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। इस तरह से होना चाहिए कि आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं पब्लिक के साथ। जब आप 50 लोगों से बात कर रहे होते हैं तो 50 लोगों से ही इस तरह का आई कांटेक्ट मेंटेन करने की आदत डालिए, ताकि जब आप बड़े समूह में बात करें, जब 500, 1000, 5000, 10000 लोगों में बात करें, आपको वही आदत हो जाए, आप केवल एक तरफ देख करके बात ना करें, आपका आई कांटेक्ट सब तरफ हो। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं बड़े बड़े नेताओं के बारे में कि बड़े नेता जब मंच पर भाषण दे रहे होते हैं कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, क्या उन्हें पब्लिक दिख रही होती है, क्या वो पब्लिक से आई कांटेक्ट कर पा रहे होते हैं? नहीं कर पा रहे होते। पब्लिक भी उन्हें क्लियरली नहीं देख पा रही होती और वो भी पब्लिक में किसी को क्लियरली नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पब्लिक को मैसेज जाता है, जब चेहरा उनकी तरफ किया गया तो उनको लगता है कि अब हमें संबोधन किया जा रहा है, जब दूसरी तरफ से चेहरा किया गया तो उन्हें लगता है हमें संबोधन किया जा रहा है। और ये एक अच्छे भाषण देने वाले की, अच्छे वक्ता की एक पहचान है कि वो पब्लिक के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करे। और ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ज्यादातर लोग जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक ही समूह को या एक ही तरफ देख करके अपना पूरा भाषण दे देते हैं। ऐसे भाषण को इफेक्टिव नहीं कहा जाता। इफेक्टिव भाषण वो होगा जो आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाए, सभी के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर पाए।
एक और चीज जो आप पर जिसको आप पर आपको जिस पर ध्यान रखना है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका शारीरिक भाषा। जी हाँ, यदि आपको पोडियम मिला है तो आपको हाथ किस तरह से रखने हैं, यदि पोडियम नहीं है तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है। वैसे तो पॉलिटिकल रैलियों में अभी ट्रेंड यही चल रहा है कि मंच पर आपको एक पोडियम दिया जाता है, लेकिन बड़े प्रोग्रामों में ही अक्सर ये ट्रेंड है। छोटे प्रोग्राम में अगर आप जाएंगे तो या तो मंच पर टेबल लगा दी जाती है और वहाँ कुर्सियाँ होती हैं, वहीं बैठ करके वहीं खड़े होकर के आपको बोलना होता है, या मंच खाली होता है और आपको खड़े होकर के अपनी भाषण देना होता है, अपनी बात रखनी होती है। ऐसे समय पर आपकी बॉडी लैंग्वेज सीधी होनी चाहिए, आपके पैर दोनों पैर सीधे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पैरों में ज़्यादा गैप हो, और बिल्कुल चिपके हुए भी नहीं होने चाहिए। और यदि आपके पास पोडियम नहीं है और आपको खुला मंच दे दिया जाए तो मंच पर एक जगह रिजिड होकर के खड़े ना हो, बजाय इसके आप मूवमेंट रखें, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मूवमेंट करते रहें। यदि आप लेफ्ट राइट मूवमेंट करते रहेंगे और मूवमेंट की स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, 2 सेकंड में एक कदम रखा जाए, लगभग इस तरह की स्पीड होनी चाहिए, ताकि वो ये ना लगे कि आप मूव करने के लिए मूव कर रहे हैं। ये आपके एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज लगनी चाहिए। जब नेता इस तरह से बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करता है, नेचुरली लग रहा होता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और जब आप खड़े हो तो आपका सर ना तो बिल्कुल तना हुआ हो ना बिल्कुल झुका हुआ हो, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर आपके पास हैंड माइक है तो माइक का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आप अपनी बात अच्छी तरह से कह पाएं। माइक को वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, माइक को आगे पीछे करके वॉइस मॉड्यूलेशन भी इस्तेमाल की जा सकती है। आने वाली ट्रेनिंग में वो इस वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में भी और चर्चा करी जाएगी। आज मैं बात कर रहा हूँ उन 5 बिंदुओं पर जिनको आप खुद अपने लेवल पर इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कॉन्टैक्ट और आपका शब्दों का उच्चारण। अभी मैंने 3 चीज़ों पर बात करी, अब बात करते हैं 4th गुण पर जो आपको निखारना होगा, जिसको आपको डालकर जिसको अगर गुण को अगर आप डाल लें तो यकीनन आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। भाषण में आसान भाषा का इस्तेमाल करना। जी हाँ, जब आप मंच पर बोल रहे हैं तो आप ऑडियंस के हिसाब से अपनी बात रखें। कई बार क्या होता है, हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती होती है और हम इंग्लिश के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं भाषण में, हमें लगता है कि हमारा भाषण बहुत इफेक्टिव हुआ। हाँ, हो सकता है पार्टी के बड़े नेताओं को 2, 4, 5, 10 लोगों को वो इम्प्रेस कर पाए, लेकिन उस पब्लिक का क्या जिसके लिए भाषण दिया गया, वो जनता जो आपको सुनने आई थी उसको क्या मिला? उसके लिए इफेक्टिव भाषण वो होगा जो उसके दिलों तक उतरे और वो उसकी भाषा में होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण व्यक्तियों से बात करें तो आप ग्रामीण भाषा में बात करिए, यदि आप शहरी क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो उस तरह के माहौल में बात करिए। यदि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या की कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहां पर पर्टिकुलर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग डोमिनेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर भाषा के लोग डोमिनेट करते हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए और आसान शब्दों को चुनिए। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं और आपको मराठी नहीं आती, तो जरूरी नहीं कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करें, आप हिंदी के आसान शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बात आसानी से समझ पाएं। पता चला आपने बहुत टफ शब्द इस्तेमाल कर लिए, ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया अपने भाषण में कि वो समझ ही ना पाए, तो आपके पूरे भाषण का या कम्युनिकेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको इस गुण को निखारना होगा, साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें और उस साधारण शब्दों का असाधारण बनाएं। कैसे असाधारण बनाएं? किसी शब्द पर ज्यादा जोर दे करके, जो मैंने अभी बताया वॉइस मॉड्यूलेशन, आने वाली अगली ट्रेनिंग में मैं वॉइस मॉड्यूलेशन भी बात करूंगा, लेकिन आज इस पे मैं बात कर रहा हूं कि उस पर थोड़ा ज्यादा जोर देने की कोशिश करें। अगर कोई शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है या लग रहा है कि शब्द पर ज्यादा बात रखनी चाहिए तो उसको और ज्यादा जोरदार तरीके से रखें ताकि सामने वाले पर एक इंप्रेशन पड़ सके कि हाँ, मुझे इस शब्द का इस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन शब्द आसान होने चाहिए, जिन शब्दों का आप भी उच्चारण कर सके और सुनने वाले लोग आसानी से समझ सके, और जिसका ज्यादातर ऐसे शब्द इस्तेमाल किया जाए जिसका एक ही अर्थ हो। कई बार हम बहु अर्थीय शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके 2-3 अर्थ होते हैं। अब पता चला हम तो जिस अर्थ में उसको बोल रहे थे, सामने वाले ने कोई और ही अर्थ निकाल लिया और बात का अनर्थ हो गया। कई बार ऐसा होता है, कई बड़े नेता ऐसा कई बार फंस जाते हैं कंट्रोवर्सी में, बाद में वो सफाई देते हैं, मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरे कहने का तो ये अर्थ नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था। ये अक्सर तभी होता है जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनके और भी बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकें या इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, तो आपको इन सेंटेंसों से बचना चाहिए। ये 4th चीज है। 5वीं चीज जिसका आपको अपना ध्यान रखना है अपने भाषण में, वह आपकी भाषा का उतार चढ़ाव, यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन। जी हाँ, आज वॉइस मॉड्यूलेशन में ब्रीफ में बात करता हूं। जब आप कोई बात कहना चाह रहे होते हैं तो आप देखिए बड़े नेता कैसे कहते हैं। बड़े नेता एक ही लय में बोलकर अपनी बात नहीं बोलते हैं, वो उस लय को ऊपर नीचे करते रहते हैं, पिच ऑफ वॉइस कम और ज्यादा करते रहते हैं। जब आपकी वॉइस की पिच हाई होती है तो आपका वॉल्यूम कम निकलता है, या जब पिच लो होती है तो हाई वॉल्यूम होता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपको एक काम करना चाहिए। मैंने यहां इस्तेमाल किया वॉइस मॉड्यूलेशन का, कहना चाहता हूं, आपको एक काम करना चाहिए। करना चाहिए पर पिच हाई रखी गई, वॉल्यूम लो हो गया, और चाहता हूं पर मैंने वॉल्यूम हाई रख करके पिच लो किया। इस तरह की वॉइस मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करिए, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 2, 4, 5 सेंटेंस में कहीं कहीं इस्तेमाल कर लीजिए।
जहां आपको लगे इस शब्द को उठाया जा सकता है, जहां आपको लगे शब्द महत्वपूर्ण है। युवाओं से बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ये जवानी का समय आपका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और यदि आज आपने अपने इस जवानी के समय का सही उपयोग नहीं किया, यकीन मानिए कल आपको पछताना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, आपने जवानी पर जोर दिया, पछताने पर जोर दिया, आपने अपनी भाषा का उतार चढ़ाव का इस्तेमाल किया, और ये इंपैक्ट डालेगा ऑडियंस पर। और जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी महान नेता हुए, जिन्हें भी अच्छा वक्ता कहा गया, वो सब वो लोग थे जो अपनी भाषा का उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करके जनता को अपने साथ रोक सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। आगे आने वाली ट्रेनिंग में मैं वॉइस मॉड्यूलेशन में डिटेल में बात करूंगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसा क्या करती है, क्यों जनता पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, लोग क्यों इंप्रेस हो जाते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी कैसे पैदा करता है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन आज मैंने मोटे मोटे तौर पर इन 5 रणनीतियों पर चर्चा की। आप इन 5 का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। अपने भाषण को खुद रिकॉर्ड करिए, चेक करिए उसमें कितनी जगह आपने भाषा का इस्तेमाल किया, कहां किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, शब्दों का उच्चारण कैसा था आपका, क्या उसको और ठीक किया जा सकता है, आपने किस पिच को, हाई पिच पर कौन से शब्द बोले, कौन से शब्द को लो पिच पर बोल करके और अच्छा इंपैक्ट डाला जा सकता था, इसको फोकस करिए और यकीन मानिए आप एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे। जाते जाते एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, अच्छा वक्ता बनना एक दिन का काम नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये इट्स नॉट ए वन डे गेम। आपको लगता होगा ये व्यक्ति आज अच्छा बोल रहा है, लेकिन आपने उसका संघर्ष नहीं देखा होगा कि उसने अच्छा बोलने के लिए कितने साल लगाए, कितने सालों की उसकी प्रैक्टिस थी, कितने वर्ष उसने मेहनत की है अपने उच्चारण पर, कितने साल उसने मेहनत की अपने आई कॉन्टेक्ट, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, और आज भी वो निरंतर मेहनत कर रहा है। जी हाँ, अच्छे वक्ता बनना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कभी कि मैं परिपक्व वक्ता बन गया, अब इससे अच्छा हो नहीं सकता है। आज आप जैसे हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कल आप उससे बेहतर हो जाएंगे, आप और प्रैक्टिस करेंगे, कल उससे भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, और कोई अंतिम सीमा नहीं है। आप जहां भी पहुंच जाएंगे उससे ऊपर भी बढ़ने की सीमा है, उससे भी अच्छा वक्ता बनने की सीमा है। मैं प्रयास करूंगा, आपको प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये रणनीति अच्छी लगती है, आप बाकी आगे रणनीतियों पर भी बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन रणनीतियों को ले सकते हैं, या आप हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग में भी आ सकते हैं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, और मेरी टीम भी आपकी मदद करेगी, आपको एक अच्छा वक्ता बनाने की कोशिश करेगी। आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।